करने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, डिनर करने जा रहे हैं, लंच करने जा रहे हैं। डिनर डिनर कोई डिनर डिनर नाइट में किया जाता है और डे में क्या किया जाता है, लंच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, एक्चुअली एक दो काम हैं वो निपटाने हमें, और जैसा कि पता ही आप लोगों को हमारे घर में शादी आने वाली है। सो फटाफट से हम लोगों को शॉपिंग भी करना है एंड उसके बाद हमें हमारे घर के लिए निकलना है। आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, एक्चुअली बुलाया स्नेहा ने, स्नेहा दे रही अपने एनिवर्सरी की पार्टी और उसके बाद फिर हम लोग शॉपिंग पे चले जाएंगे तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे। सो अभी हम लोग निकलते हैं, रेडी हो गए हैं सब लोग, नेल पेंट लगा लेती हूँ। मैंने फाइनली नेल पेंट लगा ली है और ये पिंक सी नेल पेंट लगा ली। हम जा रहे हैं स्नेहा के घर क्योंकि उसने हम लोगों को घर पे ही बुलाया है। आज इन दोनों ने हेयर कट करवा लिया है, हेयर तो वैसे भी इनके छोटे थे क्योंकि दादी जब एक्सपायर हुई थी ना तो इन दोनों ने अपना सर के पूरे बाल मुंडन करवा लिया था, अभी थोड़े थोड़े बाल आ गए थे तो सेट करवा लिए हैं क्योंकि भाई शादी में जाना है तो शादी में जाने के लिए तो अच्छा। आज नहीं जाना, कल, अभी तो टाइम है कल। सो शादी किसकी है, किसकी है शादी, रुद्रांश की बुआ की शादी, हिल्देश बुआ, यस रुद्रांश की बुआ की शादी है। किसका फोन आ रहा है, हेलो, हाँ जी, ओके ओके चलो पहुंच गए हम लोग, तो मिलते हैं इसमें यहाँ से। स्नेहा मौसी बोल रही थी जल्दी आओ, स्नेहा मौसी क्या कर रही है, हम जल्दी तो रेडी नहीं हुई, देखो मैं अच्छी नहीं लग रही, अच्छी लग रही है, सुंदर सी, बताओ मैं क्या पी रही हूँ, वोडका, यस वोडका नहीं पी रही हूँ, आपको बता दूँ मैं पानी पी रही हूँ, वोडका मैं नहीं पीती हूँ, वोडका मतलब क्या होता पता नहीं है मुझे। कहाँ जा रहे हैं, पंचगांव जा रहे हैं, पंचगांव ढाबे का नाम, अच्छा ढाबे का नाम, मेरे को जगह लोकेशन का नाम है पंचगांव, फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे ये लोग तो, पता नहीं कितनी बार जा चुके हो, सेकंड टाइम जा रहे हैं, अच्छा ये लोग सेकंड टाइम जा रहे हैं और हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, देखते हैं कैसा है, क्या है यहाँ पे मौसम, देखो मौसम देखो कितना शानदार हो रहा है, बस बारिश की कमी है पंचगांव, ये लिखा है ना सामने, पंचगांव यही है एंट्री कहां से, अरे जैसे मूर्तल है ना, हां मूर्तल के जैसे ये भी एक ढाबा है, हम लोग पहुंच गए हैं, अगर मूर्तल 70 किलोमीटर नहीं जाओगे जाना ढाबे पे, और इस ढाबे का नाम है पंचगांव, और अंदर चलते हैं देखते हैं क्या क्या है, ये देखो हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं, अंदर चलते हैं दिखाते हैं क्या क्या है, यहाँ देखो काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है और सेल्फी पॉइंट भी है, ये देखो वो पहुँच गया वहाँ पे, कैमल भी है, ये देखिए मानेसर में आता ना हम लोग, मानेसर कुकरोला हरियाणा, बाकी रुद्रांश को देखो यहाँ पे इसको फोटो क्लिक करवानी है, यहाँ पे वो कैमल के पास जा गया है, कैमल की राइड करनी है, खा लेते हैं पहले, टाइम हो गया है, आपने बताया पहले पहले खा लेते हैं क्योंकि भूख लगी है, पहले खाने के लिए आए हैं, चलो बिट्टू ये है पंचगांव, तो ये है यहाँ से एंट्री पॉइंट, हम चलते हैं अंदर, ये बस ये लड़की फोटो लेने आई है, मुखिया जी का ज्ञान इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा पराठा, सो एक मैन फ्रॉम एमपी 8 430 इंच पराठा, यहाँ का जो फेमस पराठा है ना एंड बिगेस्ट पराठा सरपंच पराठा, हमारा फर्स्ट ऑर्डर आ गया है, हनी चिली पोटैटो समोसा छोले, और ये देखो सबसे अच्छी बात यह है कि ये मिट्टी के बर्तन में दिया हुआ है तो उसका भी टेस्ट आएगा, अच्छा समोसा आप किससे खा लो, हां यार ये लीजिए, ये है हमारा खाना, ये खाली ऑर्डर की दिया मुझे कुल्हड़ वाली चाय, मैं नहीं पीऊंगा, मत पीना आप, सो गाइस अभी हम लोगों ने खाना खा लिया, मस्त पेट भर के खाना खा लिया, हमने बहुत सारे आइटम मंगाए हुए थे एंड उसके बाद पता है हमने क्या मंगाया, ये देखो चाय, इसमें है थोड़ी सी चाय है, ये पी रहे हैं चाय, तो बस मस्त पेट भर गया है, पहले देख के आ गया कि मेरे को कहाँ जाना है, मेरी काम की चीज कहाँ है इधर,
पहले देख के आ गया है। हाँ मैं आ रही हूँ, बट चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब बाकी खारा अच्छा है, बट अपना अपना है, अपने अपने टेस्ट का है, बट मेरे को ना चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं है, जैसे रहता है ना टेस्ट कि अदरक का, लौंग का, इलायची का, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, मसाले नहीं है, बस दूध का टेस्ट आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ टिशू से साफ कर ले, टिशू रखे हैं ना, टिशू लगा के फिर इस मास्क को लगा लेती हूँ। ब्लड नहीं, मत लगा, खुला रहने दे। ये मुझे पैर में लग गई है चोट और इसमें निकल रहा है ब्लड। लंच करने के बाद सीधा हम लोग निकल गए घर के लिए, क्योंकि मेरे को पैर में चोट आ गई थी और उसमें ब्लड निकल रहा था और पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हम लोग ज़्यादा घूमे नहीं वहाँ और सीधा स्नेहा के घर पहुँचे। वहाँ पे स्नेहा ने चाय बनाई थी बहुत अच्छी सी, से चाय पी एंड उसको बाय बोल के हम लोग सीधा निकल आए शॉपिंग के लिए, क्योंकि भाई पता ही आप लोगों को शादी है, हमारे घर में शादी है तो भाई शॉपिंग तो बनती है। रुदांश के लिए हम लोगों ने कपड़े लिए वहाँ से और उसके बाद मेरे को भी कुछ कुछ सामान लेना था, मतलब जैसे कि पर्स लेना था। तो पर्स देखा मैंने वहाँ पर, बहुत सारे पर्स देखे बट ना समझ नहीं आ रहा था कौन सा लूँ क्या। तो फिर मेरे को फाइनली एक पर्स अच्छा लगा, बट मेरे को ना उसका कलर दूसरा चाहिए था, फिर वो पर्स का तो मेरा फाइनल नहीं हो पाया। फिर मैंने सैंडल्स देखी, वहाँ पे सैंडल्स ली और उसके बाद फिर रुदांश को भी कुछ कुछ समझ में आया तो उसने अपना सामान लिया। पापा मुझे चाहिए ऐसी सैंडल ले लूँ। बन गई आपको? हाँ। रख लो। सो अभी हम लोग आए हुए थे मॉल में और यहाँ से हम लोगों ने एक दो चीज़ें ले ली हैं, बाकी तो रुदांश के लिए लोवर लिया है और एक दो चीज़ें और ली हैं। और मैंने मेरे लिए पर्स देखे बट मेरे को ना पर्स समझ नहीं आ रहा है और जो थोड़े दो अच्छे लगे थे तो उनमें मेरे को कलर नहीं मिले थे तो फिर मैंने एक भी नहीं लिया है। आज हो रहा है नेक्स्ट डे, कल तो बहुत लेट हो गया था तो उसके बाद वीडियो कंटिन्यू नहीं किया। क्या करने में लगा हुआ है भाई, होली आ रही है। होली एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें छोटे बड़े सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार है ना कि सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। सो अरे ये लगा हुआ है बैलून से खेल, मेरे मुंह पे कर दिया। सो ये लगा हुआ है खेलने के लिए एंड कपड़े वगैरह है ना। आज मैंने बहुत सारे काम जो थे ना मेरे को निपटाने थे क्योंकि हमारे पास अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा। सो आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले, ये देखो पूरा तार भरा पड़ा हुआ है इस वाले तार पे एंड दूसरे वाले तार पे, बहुत सारे आज मैंने कपड़े धुल के डाले हैं। और आज मैंने, कल मैं मार्केट गई हुई थी ना तो अपने लिए फेशियल की एक किट लेके आई हुई थी, इसका मैंने अभी फेशियल किया है, ये देखो VLCC का। मैं ज़्यादातर VLCC के प्रोडक्ट, मतलब जो फेशियल अगर मैं करती हूँ ना तो मैं VLCC का ही करती हूँ और मैं काफ़ी टाइम से VLCC का ही यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं, मुझे फेशियल, सच बताऊँ मुझे अगर फेशियल करना रहता ना मैं VLCC का लेके आती हूँ या O3 वाला लेके आती हूँ, बट अभी O3 का वहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो मैं VLCC का लेके आई थी और इसका मैंने फेशियल किया। ये गोल्ड फेशियल किट है, इसका मैंने फेशियल किया है और देखते हैं बाकी मैं खुद से फेशियल करती हूँ। ग्लो वगैरह तो एक दो दिन बाद ही आता है। सो फेशियल हो गया है, काम पे लग जाते हैं एंड अभी मैंने फेशियल किया था। फेशियल करने से पहले मैंने ब्लीच किया हुआ था, तो ये ब्लीच है ओलिविया का, मैंने पहले ब्लीच किया एंड उसके बाद फिर मैंने फेशियल किया था। और ये देखो पीछे इतने सारे कपड़े एंड पिलो पड़े हुए हैं, जो ठंडी वाले कपड़े, कुछ तो मैंने ना रख दिए थे एंड कुछ अभी पड़े हुए हैं। बेड के अंदर रखा हुआ है बैग जो मेरे को निकालना है और फिर उसके बाद करनी है पैकिंग स्टार्ट। कुछ यहाँ पे साड़ियाँ पड़ी हुई है जो मैंने निकाल के रखी हुई थी, बट देखती हूँ मैं इनमें से क्या क्या लेके जाती हूँ। बाकी के अभी ठंडी के कपड़े भी बाहर ही निकले पड़े हैं, कुछ कुछ कपड़े कुछ तो मैंने ना रख दिए हैं, जो स्वेटर्स वगैरह थी ना वो मैंने रख दी है और ब्लैंकेट एंड पिलो वगैरह यहाँ पे भी पड़े हुए हैं तो वो बाद में रखूंगी। मैं बैग निकालती हूँ पहले बेड के अंदर से एंड फिर मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। सो उस साइड में रखा हुआ है बिट्टू बैग, निकाले पहले तो ना प्रेस रख दे, नहीं तो प्रेस गिर जाएगा ना। गुलाब, इसमें शायद कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं, चेक किया जाए। यस कपड़े रखे हैं। आज हमारा एक पार्सल आया, देखते हैं उसमें क्या मिलता। हमें मिला है ट्रेन, हमें मिला है ट्रक, हमें मिला है पाइप, एक और
आज ही का टाइम था मेरे पास, क्योंकि कल फिर मॉर्निंग में हमें अपने घर के लिए निकलना है। और मतलब ऐसा वाला सीन हो गया था, मेरे को कम समय में बहुत सारा काम करना, बहुत सारे काम निपटाने थे। ये सारे काम मैं पहले भी कर सकती थी, बट वही है ना, रुद्रांश के एग्ज़ाम चल रहे थे, एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुई फिर उसके बाद हम लोग को घर के लिए निकलना पड़ा। और यहाँ पर ना मेरे को साड़ियाँ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लेके जाऊँ। एक्चुअली शादी ना दो शादियाँ हैं और मेरे को दो शादियों में जाना है, वो भी दोनों ससुराल साइड से हैं, तो साड़ियाँ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या ले जाऊँ। फाइनली फिर मैंने साड़ियाँ सेलेक्ट, उसके बाद पैकिंग स्टार्ट की और इनके कपड़े रखे मैंने, अपने कपड़े रखे और इनके भी कपड़े रख लिए मैंने बैग में, एंड मैंने मेरे कपड़े भी रख लिए। बाकी ये जो कपड़े हैं ना, ये सिर्फ रुद्रांश के कपड़े हैं, मुझे बस ये और रखना है बैग में, और बस फिर हमारी पैकिंग हो जाएगी डन। अभी बताए क्या हुआ, मैं बैग पैक कर रही थी, जो कल मेरे को चोट लगी हुई थी उसमें आज मेरे को फिर से वहीं पे चोट लगी। ऐसा होता है, अगर आपको कहीं पे चोट लगी हो ना, आप कितना भी उसको बचाओ ना कि यहाँ नहीं लगे, और लगती फिर वहीं है जहाँ आपको चोट लगी होगी। तो मैं इतना अच्छे से मतलब वो कर रही थी ना कि मेरे को लगे नहीं, वो फिर भी जाके मेरे को कहाँ लगी, जहाँ पे चोट थी वहीं पे जाके लगी। बाकी ये काम तो चलता रहेगा पैकिंग का, रुद्रांश का भी। रुद्रांश के कपड़े मैं एक अलग से बैग में डालूंगी, क्योंकि फिर वो ना हम लोगों का मिक्स भी हो जाएगा, और फिर हम दोनों के ही कपड़े से बैग भर गया है, तो उसके लिए मेरे को एक अलग से बैग करना पड़ेगा, क्योंकि उसके भी बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। ये देखो इतने सारे कपड़े हो गए हैं, इसके ही कपड़े जो मेरे को बचे हैं बस वो दूसरे बैग में डालूंगी, एंड पैकिंग का आज हमारा काम खत्म हो जाएगा। और थोड़ा बहुत है तो वो तो चलता ही रहता है, जब तक आप घर से नहीं निकलोगे तब तक थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। सो गाइस, ये पैकिंग का काम तो ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जाते जाते कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोगों को अच्छा लगा हो आज का ब्लॉग तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ बहुत अच्छे एंड इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना एंड अपने परिवार का, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी आप लोग को बहुत अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं।